8 नवंबर 2016 हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने पूरे भारत में खलबली मच गई। ये फैसला था देश में 500 एवं 1000 के नोटों पर पाबंदी। प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया कि ये फैसला देश के हित में है और इसे अचानक लेना बहुत आवश्यक था। कहा तो ये भी गया कि ये मुहिम देश में छुपा काला धन बाहर लाने की है और देश के नागरिकों को कुछ ही दिन दिक्कत होगी, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। ज्यादातर जनता ने उनके इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन लगभग हर जगह से आम जनता ही परेशान दिखी। लोगों के प्रतिनिधि कही जाने वाली भारतीय मीडिया ने भी इस फैसले पर देश के अलग अलग अंश दिखाए, लेकिन आम जनता की परेशानियां तब भी दूर नहीं हुई। शुरुआत करते हैं बड़े शहरों से। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एवं बेंगलुरु जैसे शहरों में भी बात की जाए तो बाहर से कमाने आए हुए लोग सबसे ज्यादा परेशान दिखे। घंटों इंतजार करने के बाद जब उनका नंबर आया तो पता चला कि बैंक में कैश ही खत्म था। अगले दिन बैंक पहुंचे तो पैसे तो मिले, लेकिन ऑफिस लेट होने पर उनकी सैलरी कट गई। जनाब, अगर ये फैसला अचानक ही लेना था तो क्या एटीएम चालू नहीं किए जा सकते थे? इस फैसले के 5 दिन बाद भी अब तक ज्यादातर जगहों पर एटीएम चल ही नहीं रहे। दूसरा मुद्दा ये है कि जो औरतें अपने पास गुप्त धन अपनी जरूरतों के लिए रखी थी, समय आने पर भी इसकी रक्षा या फिर जरूरत के लिए यूज कर सकें, तो क्या मोदी जी की नजर में वो भी काला धन था? तीसरी और सबसे जरूरी बात, क्यों इन 5 दिनों में देश के हर कोने में, हर बैंक में आम आदमी ही परेशान दिखा? क्यों कोई नेता कतार में खड़ा नजर नहीं आया? क्यों कोई बड़ा सरकारी अफसर बैंक के आसपास भी नहीं मंडराया? अरे जनाब, उन लोगों से पूछिए जो घंटों भीड़ की कतार में खड़े रहे। विकलांग, गरीब और किसी बुजुर्ग तक को नहीं बख्शा इस सरकार ने। हाल ही में हुई बुजुर्ग की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आपको नोट बंद करवाने ही थे तो आप कम से कम एटीएम तो चालू करवाते। भगवान भरोसे देश को छोड़कर हमारे प्रधानमंत्री जापान दौरे पर चले गए। अब आपकी इस मुहिम में और कितनी आम जनता पिसती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस दिन जनता को ये बात समझ आ गई जनाब, तो सरकार पलटने में देर नहीं लगती। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की ओर से अभिलाष की रिपोर्ट।